तो बच्चे हमने कहाँ पे अपने टॉपिक को छोड़ा था हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स और उसमें हमने पॉलीमर की क्लासिफिकेशन जो है टू बेसिस पे कर दी थी दैट इज़ बेस्ड ऑन द सोर्स एंड द बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर पे अब हम अगली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स करेंगे तो मॉलिकुलर फोर्स के बेस पे जो हमारे पॉलीमर्स हैं दीज आर ऑफ फोर टाइप्स नंबर वन इलास्टोमर्स नंबर टू फाइबर्स नंबर थ्री थर्मोप्लास्टिक्स एंड नंबर फोर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स तो सबसे पहले हम इलास्टोमर्स ले लेते हैं तो जो इलास्टोमर्स हैं वो आपके Uh, उनमें जो है इंटरमोलिकुलर फ़ोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द क्योंकि हमने किया ना ये हमने वैसे भी मोलिकुलर फ़ोर्सेज़ के बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इलास्टोमर्स uh, में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ़ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन पॉलीमर चें और वो इंटरमोलिकुलर फ़ोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती हैं वीक होती हैं ठीक है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ठीक है और uh, Uh, जो इलास्टोमर्स uh, होते हैं नाम से भी पता चल रहा होगा uh, इनका जो करैक्टर होता है वो इलास्टिक करैक्टर होता है जैसे रबर का होता है और ये इजीली स्ट्रेचेबल होते हैं स्ट्रेच किए जा सकते हैं इजीली ठीक है और इसमें जो है मतलब जैसे नेचुरल रबर होता है वो इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल होता है नेचुरल रबर ये देखिए यहाँ पे जो मेरे राइट हैंड साइड में डायग्राम है इसमें ये जो ये वाली चीज़ दिखाई गई है आपको फर्स्ट थ्रेड लाइक ये आपकी रॉ रबर है रॉ मतलब जो आपको आ, आ, रबर ट्री से मिलती है अब इसमें जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र में आ रही होंगी अब इनमें वीक मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं अब इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है आ, जो मैं अब करवाने जा रही हूँ कि आपको कई बार पूछ लेते हैं कि वट इज़ वल्केनाइजेशन या वट इज़ वल्केनाइज रबर है ना और उनके एग्जाम्पल बताओ तो अगर आप रॉ रबर को जो आपकी रॉ रबर होती है उसको सल्फ़र के साथ हीट करते हैं तो आपके पास जो क्रॉस लिंक्ड रबर बनती है उस रबर को आप वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं ठीक है जिस तरह से आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है और यहाँ पे नीचे वाले में भी देख लीजिए ये सिंपल रबर है ना ये जिगजैग जिगजैग -जिग -जिग ये आपकी रॉ रबर है अब जब इस इनके बीच में आपके सल्फर के बॉन्ड बन जाएंगे सल्फ़र के साथ हीट करके तो सल्फ़र के साथ ये बॉन्ड बना देगी तो आपकी ये रबर कौन सी बन जाएगी वल्केनाइज्ड रबर बन जाएगी तो अगर बल्केनाइज रबर आया कि वट इज़ बल्केनाइज रबर तो आप क्या बोलोगे कि नेचुरल रबर वैन हीटेड विद थ्री टू फाइव परसेंट सल्फर बिकम्स नॉन स्टिकी एक तो ये नॉन स्टिकी बन जाएगा और ये कैसा बन जाएगा मोर इलास्टिक रबर बन जाएगा ठीक है ज़्यादा ये और भी ज़्यादा इलास्टिक बन जाएगा तो उस रबर को क्या बोलते हैं बल्केनाइज रबर विच हैज़ बेटर इलास्टिसिटी पेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी होती है देन दैट ऑफ नेचुरल रबर और उसकी इलास्टिसिटी भी अच्छी होती है ठीक है और इस वल्केनाइज uh, रबर बनाने की जो प्रोसेस होती है कि क्योंकि हमने सल्फर के साथ इसको हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वल्केनाइजेशन क्या बोलते हैं वल्केनाइजेशन और इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं वल्केनाइज रबर्स के बूना एस बूना एन नियोप्रीन एटसेट्रा जो आपकी पॉली आइसोप्रीन होती है ना वो नेचुरल रबर पॉली आइसोप्रीन होती है लेकिन जब आप इसको बल्किनाइज रबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो नियोप्रीन भी आती है बूना एस आती है बूना एन आती है वो हम बूना एस बूना एन अगर होगा आपके सिलेबस में तो हम आगे करेंगे ठीक है तो ये आपकी क्या थी इलास्टो मर्स देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड सेकेंड टाइप आपके सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स कौन से हैं फाइबर्स तो फाइबर्स में uh, इनमें जो है दे हैव स्ट्रोंग इंटर मोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द चेंज होंगी तो चेन ही पॉलीमर्स की और इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रांग होंगी ठीक है और ये फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन किसकी कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन होती हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शनस होती हैं तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इंट्रैक्शनस होती हैं ना वेंडर वॉल्स इंट्रैक्शन में तो वो कैसी होती हैं स्ट्रांग होती हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है हाई और इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है लेस लेस इलास्टिसिटी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके ठीक है फॉर एग्जांपल सिल्क आपने देखी होगी या नाइलॉन सिक्स सिक्स टेरिलीन ट्रेल, ठीक है तो ये आपके ये देखिए साइड थ्रेड है तो सिल्क का भी आपने थ्रेड देखा होगा ना बेशक वो चमकदार होता है ठीक है लेकिन उसकी इलास्टिसिटी कभी खींचना उसको वो स्ट्रेचेबल नहीं होता इलास्टिसिटी उसकी कम होती है जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी हाई होती है ठीक है तो ये होते हैं फाइबर्स ये, ये आपके क्या हैं फाइबर्स देन नेक्स्ट है अब ये जो uh, बाकी दो तरह के हैं आपके पॉलीमर बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस वो मैंने डिफ्रेंसीशन की फॉर्म में किए हुए हैं क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है थर्ड टाइप क्या है इसकी थर्ड है थर्मोप्लास्टिक और फोर्थ है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स तो जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं वो आपके फॉर्म बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन थर्मोप्लास्टिक में एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है एडिशन में मैंने बताया ना सिंपल एडिशन होगी बॉन्ड की एडिशन होती रहेगी यह, यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड है तो ऐड करता रहेगा जबकि कंडेंसेशन में क्या होगा कंडेंसेशन में आपके स्मॉल uh, मॉलिक्यूल जैसे वाटर हुआ या अमोनिया हुआ या एच हुआ ये रिमूव भी हो जाते हैं कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं देन जो आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं uh, इसमें जो है दे आर हेल्ड बाय द हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरवॉल्व फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक कैसे होते हैं लीनियर लीनियर चेन में और जो आपके थर्मोसेटिंग होते हैं वो नेटवर्क मतलब थ्री डायमेंशनल आगे मींस आपके कैसे आगे ये ब्रांच्ड, ब्रांच्ड में भी कौन से क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर है इनकी तो क्रॉस लिंक्ड होते हैं ये और इनमें जो हैं वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती इसमें स्ट्रॉग कोविलेंट बॉन्ड बनते हैं है ना क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है तो जैसे मान लो कंडेंसेशन हो रही है एन एच टू और सी ओ एच की तो कंडेंसेशन में वाटर रिमूव होगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बॉन्ड कौन सा बनेगा कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो थर्मोसेटिंग में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं थर्मोप्लास्टिक में आ, जो है वो आपके आ, वीक वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं देन नेक्स्ट इज़ के आ, जो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं दे यूजली बिकम सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड स्टिफन ऑन कूलिंग मतलब जब आप उनको हीट करोगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन जब वो थोड़ी देर उनको ऐसे रखोगे या उनको पानी में डालोगे तो वो फिर से सख्त हो जाएंगे ठीक है जबकि आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो हैं दे जो हैं दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग ये हीटिंग पे सॉफ़्ट नहीं होते हैं थर्मोप्लास्टिक को जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं महंगे होते हैं जबकि थर्मोसेटिंग जो हैं वो आपके सस्ते होते हैं चीप होते हैं थर्मोप्लास्टिक इज़ सॉलीबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनको सॉल्यूबल किया जा सकता है और थर्मोसेटिंग प्ला, प्लास्टिक जो हैं दीज आर इन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और ये हमने ऊपर भी किया कि ये सॉफ्ट होते हैं आ, जो है लेस ब्रिटल होते हैं इन नेचर वीक लेस ब्रिटल जबकि थर्मोसेटिंग आपके हार्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और मोर ब्रिटल इन नेचर होते हैं क्लियर कैन बी रीमोल्डिड ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको आप दोबारा से मोल्ड कर सकते हो रीमोल्डिड ठीक है जैसे आपने एक बार मान लो किसी प्लास्टिक से आपने प्लास्टिक का मग बना लिया ठीक है अब इस मग को आपने दोबारा से रीडिज़ाइन करना है तो आप क्या करेंगे इनको हीट करेंगे सॉफ्ट करेंगे इनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इनको दोबारा से जो है वो इसकी न्यू स्ट्रक्चर बना सकते हो ठीक है मतलब रीमोल्ड कर सकते हो थर्मोप्लास्टिक्स को जबकि थर्मोसेटिंग वाले आपके रीमोल्ड नहीं किए जा सकते कैन नॉट बी रीमोल्डिड ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है देखो ऐसे भी आप इससे बता सकते हो अगर आपको लर्निंग इसमें थोड़ा सा करनी है जो आ, हीट करने पे के बाद भी सेट ही रहें हीट करने पे भी सॉफ्ट ना हों और सेट ही रहें उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग और उनको रीमोल्ड नहीं क्योंकि हीट करने के बाद वो सॉफ्ट नहीं हुए तो फिर वो रीमोल्ड भी कैसे होंगे रीमोल्ड भी नहीं ना हो पाएंगे क्लियर हो गया तो याद हो गया ये और एग्ज़ाम्पल क्या है थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन है और जो आपका थर्मोसेटिंग है उसका बैकेलाइट है एग्जाम्पल आगे भी आप इनको करेंगे एक एक आगे जब आप जाएंगे चैप्टर में देन नेक्स्ट इज़ अगली जो लास्ट uh, इसकी क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स की दैट इज़ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस ठीक है तो इसको भी मैंने डिफरेंसीशन डिफ्रेंश की हुई है की फॉर्म में किया हुआ है कि आपके ये दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस एक एडिशन पॉलीमर्स और दूसरे कंडेंसेशन पॉलीमर्स तो मोड ऑफ सिंथेसिस मतलब जो एडिशन से बनेंगे एडिशन पॉलीमर्स एडिशन से बनेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स कंडेंसेशन से बनेंगे कंडेंस जब होती है दो 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 मॉलिक्यूल्स जब कंडेंस होते हैं ना दो मॉलिक्यूल तो कुछ ना कुछ सिंपल मॉलिक्यूल भी रिमूव होते हैं तो एडिशन पॉलीमर में जो डिफरेंट मोनोमर्स हैं दे ऐड टू फॉर्म द पॉलीमर हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट एज दैट ऑफ द स्टार्टिंग मोनोमर्स तो उनका मोलिकुलर फार्मूला जो है वो चेंज नहीं होता है जबकि आपके कंडेंसेशन जो पॉलीमर्स हैं उसमें जो है मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन करते हैं विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स मैंने बताया आपको वाटर अमोनिया एच सी एल एल्कोहल वगैरह ये रिमूव हो सकते हैं तो जब ये रिमूव हो जाएंगे तो नेचुरली इनका जो मोलिकुलर फार्मूला होगा वो डिफरेंट uh, होगा देन दैट ऑफ द स्टार्टिंग मोनोमर यूनिट्स जैसे आपने किसका पीछे नाइलॉन सिक्स सिक्स का एग्जाम्पल किया ना पीछे मैंने उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको बताई थी आ, पिछले लेक्चर में तो नायलॉन सिक्स सिक्स का आप वहाँ देखना कि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और यहाँ पे आपने किसका देखना पॉलीथीन का देखना पीछे स्ट्रक्चर तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर है और नाइलॉन सिक्स सिक्स जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है एडिशन पॉलीमर में नथिंग इज़ लॉस्ड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन जबकि कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर अमोनिया एच सी एल एंड आर ओ एच आर लॉस्ड ठीक है आ, और एडिशन पॉलीमर्स में दे जनरली इन्वॉल्व वन मोनोमर एक ही तरह के मोनोमर मतलब होमोमो मोनोमर होमो, मो, मो, होमो पॉलीमर्स होते हैं ये एडिशन पॉलीमर्स जबकि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं इट इन्वॉल्वस टू मोनोमर्स एटलीस्ट टू मोनोमर्स तो होने ही चाहिए तो ये कैसे हैं को पॉलीमर्स होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स ठीक है और जो एडिशन पॉलीमर्स हैं उसमें मोनोमर्स आर जनरली अन कंपाउंड्स इसमें मोनोमर्स जो हैं अनसेचूरेटिड कंपाउंड्स होते हैं और uh, यहाँ पे uh, जो कंडेंसेशन है इसमें मोनोमर्स में दे हैव टू फंक्शनल ग्रुप्स जैसे नाइलॉन सिक्स सिक्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे एक आपका एन एच टू था और दूसरा सी ओ ओ ओ एच था तो ऐट लीस्ट दो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें ज़रूरी होने चाहिए कंडनसेशन पॉलीमर्स में जबकि यहाँ पर आपका uh, ये अन सेचूरेट होते हैं एडिशन पॉलीमर्स देन एडिशन पॉलीमर्स जो हैं इनके कॉमन एग्जाम्पल जो हैं वो दिए हुए हैं जैसे पॉलीथीन पॉलीप्रोपाइलिन एंड पी वी सी एटसेट्रा और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनके दिए हुए हैं नाइलॉन सिक्स सिक्स टेरिलीन और बेकेलाइट एटसेट्रा ठीक है तो जो एडिशन पॉलीमर्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनकी जो डिफ्रेंसीशन है वो आपकी होमोपॉलीमर और को की तरह ही है ठीक है होमोपॉलीमर्स और कोपोलीमर्स की तरह तो हमने मेन डिफ्रेंसिस यहाँ पे जो एक क्वेश्चन तो आपको ये पक्का ही आता है डिफरेंसीेशन का कि डिफरेंशिएट बिटवीन किसी भी दो के बीच में आ जाएगा चाहे आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे या फिर आपको एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बीच में पूछ लेंगे लीनियर पॉलीमर्स ब्रांच चेन पॉलीमर्स या लीनियर पॉलीमर्स क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के बीच में पूछ लेंगे इलास्टोमर्स के बारे में पूछ लेंगे या फिर आपको आ, जो है होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे ठीक है तो डिफरेंसेस आपने अच्छे से कर लेने हैं इनके आ, के क्या आ, जितने भी डिफरेंसेस करवाए हुए हैं और वन वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी इसमें से क्वेश्चन आपको आते हैं तो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच